भाई साहब हर फ्राइडे को यहाँ पे इस तरीके से कुश्ती लड़ती है, लड़ाई हो गई। देखो कुश्ती के मैच में पता नहीं क्या बीच में कहाँ से समय तक घुसाया गनर वगैरह, भाई लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, खतरनाक लड़ाई यहाँ पे हो चुकी है भाई, एकदम माहौल गर्मा गया है। और भाई हाथापाई करके वो बंदा पता नहीं कहाँ से आया, उसको बाहर निकाला है। भाई सब कुछ भगवान के भरोसे है, कुछ भी हो टूटेगा फूटेगा, मरोगे मरोगे तो तुम्हारी मर्जी है, 10 अफगानी लो और इस मौत के खेल में शामिल हो जाओ। यार अभी मैं हूँ अफगानिस्तान के शहर हेरात में। हेरात जो है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगने वाला एक टाउन है। ये गेस्ट रूम है हमारे जो होस्ट है यहाँ पे साहब भाई, उनका गेस्ट रूम है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं और ये हमारे भाई बैठे हुए हैं। कल शाम को हम लोग 6:15 बजे बस में बैठे थे और सुबह करीब 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग जो है हेरात पहुँचे थे। अभी जो है हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए। भाई यहाँ पे अफगानिस्तान के एक तो नेशनल स्पोर्ट है जिसको कहते हैं बुशकाशी, और दूसरा जो है यहाँ पे एक कुश्ती टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसको देखने के लिए हम जाने वाले हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं भाई, हमारे जो होस्ट हैं यहाँ पे हेरात में शाह भाई वो आएंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने बहुत तरीके की हिस्टोरिकल जगहें देखी और न जाने क्या क्या आपने अफगानिस्तान में देखा, लेकिन आज जो है हम स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, मज़ा आएगा। देखो हेरात शहर जो है ना भाई अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहर है भाई, जितना मैंने अभी तक देखा है। अंश भाई इज विद मी, जैसा कि आप काफ़ी वीडियोज़ में देखते आ रहे हो। दूसरे हैं हमारे साथ हमारे होस्ट भाई शाह भाई, और शाह भाई जो है भाई खुद एक प्लेयर है, एक एथलीट है, बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं भाई, ये नेशनल लेवल पे इन्होंने अफगानिस्तान के लिए खेला है। ये हमें होस्ट कर रहे हैं हेरात में, थैंक यू सो मच शाह भाई फॉर होस्टिंग अस। और भाई हेरात शहर देखो यार, हेरात शहर जो है भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काबुल में इतने टाइम रहने के बाद मेरे को ये काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज लगा मुझे। हालांकि काबुल के एक बहुत ही छोटे पार्ट में हम लोग रहे, ज़्यादातर वही बाजार के आसपास, लेकिन जितना मैंने देखा उससे ज़्यादा बेहतर मुझे हेरात सिटी लगी है यहाँ पे। और भाई अब हम लोग स्टेडियम में पहुँच चुके हैं यार, स्टेडियम में बहुत से बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। कुश्ती का क्रेज़ यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है भाई, हमारे इंडिया की तरह ऐसा लग रहा है, खतरनाक यार। इतनी भीड़ मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए इतनी भीड़ है आप देखो। और भाई यहाँ से यहाँ देखो ये टिकट विंडो मिल रही है, टिकट काउंटर, यहाँ से भाई टिकट ले रहे हैं हम लोग कुश्ती का टिकट का। 30 रुपये जो है यहाँ पे टिकट है 3 लोगों का, यानी 10-10 रुपये की टिकट है। ये देखो टिकट फाड़ फाड़ के डाले हुए हैं लोगों ने। ये देखो यार ऐसा लग रहा है, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा क्रिकेट मैच होने वाला है यहाँ पे, एक कुश्ती मैच के लिए अफगानिस्तान में क्रेज़ देखो भाई लोगों के। यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक बिक रही है बकायदा स्टेडियम के बाहर। ये देखो इन्होंने लगा रखे हैं मूँगफली और दाने ना जाने क्या क्या, बादाम वादाम बेच रहे हैं, और देखो अंडे तक बिक रहे हैं, उबले हुए अंडे बिक रहे हैं भाई। चारों तरफ लोग यहाँ पे अंदर भी हैं और बाहर खड़े हुए भी हैं, अंदर बैठे हुए भी हैं। अंदर तो मुझे लग रहा है कि अब जगह हमें मिलेगी नहीं। और भाई स्टेडियम देखो ये पूरा चारों तरफ से कैसे एकदम भीड़ भाड़, देखो नेक्स्ट लेवल भीड़ भाड़ है भाई। और भाई स्टेडियम के अंदर आ गया है भाई, सावाई की सोर्स है उसके चक्कर में हमें बिल्कुल आगे आके बैठने का मौका मिला है। चारों तरफ आप भीड़ भाड़ देखो क्या स्टेडियम में, पूरी तरह भाई पूरा एकदम भरा हुआ है, पता नहीं 150-200-400 पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, और यहाँ पे भाई ये गनर देखो आप बैठे हुए हैं इधर। हर फ्राइडे को यहाँ पे इस तरीके से कुश्ती लड़ती है, 10-10 रुपए की टिकट होती है, पूरे लोकल लोगों से भरा हुआ है पूरा स्टेडियम, एकदम माहौल है, इलेक्ट्रिकल माहौल है भाई। ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है भाई। ओ भाई पर्पल वाले बंदे ने लाल वाले को पीट के बल गिरा दिया, वो जीत चुका है भाई, मैच में बहुत मजे आ रहे हैं भाई। और देखो ये भाई यहाँ पे एक कैमरा मैन भी लगा हुआ है, वो पूरे एकदम रिकॉर्डिंग कर रहा है, फोटो वोटो खींच रहा है एकदम। और यहाँ पे क्या है भाई, एक के बाद एक मैच हो रहे हैं, एक मैच खत्म नहीं होता, नेक्स्ट 2 प्लेयर्स एकदम रेडी होते हैं भाई। मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा भाई रेसलिंग में, बाहर ऑडियंस बैठी हुई है, अब लोग यहीं जमीन पे बैठ गए भाई, हमें बिल्कुल आगे बैठने का मौका मिला है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि ये मैच जो है भाई ये नीले वाले जीतेगा यार, मेरा गैस है, मतलब मुझे लग रहा है कि भाई ये मतलब ये खत्म। ओ भाई ये देखो पटकनी थी नीले वाले ने ट्राई किया, नीले वाला वो भाई साहब मेरी बैट है भाई नीले वाले में, देखते नीले वाला जीतता कि नहीं जीतता। नीले वाले जीतेगा तो आप मेरी वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करोगे भाई साहब। रेफरी एकदम बीच में ले गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे इधर किनारे किनारे जाना, बिल्कुल बीच में जाके खेलो, जैसे WWE में नहीं होता एरिना के बाहर आके लड़ाई होने लगती है, यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई। और ये भाई ये जो मैच हो रहा है ना इस सामने, ये भाई यहाँ के बेस्ट प्लेयर्स का मैच है। मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ यहाँ का, कि यहाँ पे 2 राउंड होंगे, अगर एक बंदा दूसरे बंदे को पीठ के बल पटक देता है ना तो वो राउंड जीत जाएगा, अगर दूसरे राउंड में ऐसा होता है दूसरा बंदा जीत जाता है तो ड्रॉ हो जाएगा, और अगर ड्रॉ होता है तो फिर 3रा राउंड होता है, अगर 2 राउंड जो है लगातार एक बंदा ही जीत जाता है तो फिर क्या होता है, एक
तरीके से वो मैच जीत गई। जो बेस्ट प्लेयर्स है ना यहाँ के वो इस समय खेल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये जो लास्ट मैच चल रहा था वो नीले वाले के ऊपर मेरी बैट थी वो उधर चली रहा है और ये जो नया मैच है तगड़ा वाला मैच वो स्टार्ट हो चुका है अब। और भाई इस पूरे ग्राउंड में कॉमेंट्री भी हो रही है यहाँ की लैंग्वेज में, फारसी में कॉमेंट्री हो रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन कॉमेंट्री हो रही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखो दोनों प्लेयर अपनी नेक्स्ट लेवल जान लगा रहे हैं भाई। मेन तरफ ही आ गया भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भाई। इतनी पास में बैठा हूँ दोनों प्लेयर्स की एनर्जी फील कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल एनर्जी है भाई। ये बिल्कुल मेरी आंखों से लिटरली भाई 15-20 मीटर का रास्ता होगा। इस तरीके के जो मैचेस हैं ये हर फ्राइडे को यहाँ पे होते हैं, लोकल ग्राउंड है आप देख सकते हो। वो है लाइट वेट मैच, ये चल रहा है भाई हैवी वेट मैच। रेफरी 2-3 बार आया, उन 2-3 बार उन लोगों को समझा चुका है भाई कुछ करो कुछ करो, क्या कर रहे हो दोनों आपस में। कोच ने पूरा पानी वानी सर पे डाल दिया है, थोड़ा ठंडा कर दिया है भाई। कौन जीतेगा क्या लग रहा है इस वाले में? ब्लैक वाला। इस वाले में ब्लैक वाला भाई कौन जीतेगा? इन दोनों में, इन दोनों में बैठ। दोनों भाई ने बोला था वो जीत गया भाई, पटकी दे दी भाई, एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की है भाई, एकदम मैच टाइम पे खतरनाक पटकनी थी, नेक्स्ट लेवल मजे आ रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी कुश्ती देखी नहीं है ग्राउंड में, और वो भी पहली बार देख रहा हूँ, वो भी अफगानिस्तान के एक एकदम लोकल देसी ग्राउंड में, बिल्कुल जो अरीना के अंदर बैठ के देख रहा हूँ। आप देख सकते हो ये अरीना है, पूरा चारों तरफ अरीना बना हुआ है, मैं अरीना के अंदर हूँ और ये जो जाल के बाहर पूरा ग्राउंड है आप देख सकते हो, जाल के बाहर पूरी ऑडियंस बैठी हुई है। आप सामने देख सकते हो यहाँ पे प्रायोजक भी लगे हुए हैं, जूस यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिलती है भाई इधर। भाई यार गेम में एक ट्विस्ट आ गया है यहाँ पे, अभी रेफरी ने बोला कि जो दोनों की फाइट चल रही थी ना वो नॉर्मल टाइम से बाहर चली गई थी। 3 मिनट का यहाँ पे टाइम होता है, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने पटकनी देने में, तो इस चक्कर में जो राउंड है ना भाई वो 0-0 हो गया भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है यार। और भाई ये देखो भाई कोच का गुस्सा देखो, कोच भाई बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैच को पहले राउंड को इन्होंने रफा दफा कर दिया है। तो ये जो सफ़ेद कुर्ते में आप देख सकते हो, जो सफीउल्ला जिनका नाम है भाई, जो ब्राउन कपड़ों में उधर बैठे हुए हैं, जो जीत गए थे राउंड को, उनके कोच है बड़े गुस्सा है। और उधर देखो भाई लड़ाई चल रही है एकदम, और कोच पहुंच गए जैसे फुटबॉल में होता है ना भाई, एकदम कोच लड़ने पहुंच जाता है हर एक पॉइंट के लिए। वहां पे आप देख सकते हो खतरनाक लड़ाई चालू हो चुकी है भाई, एकदम ड्रामेटिक माहौल हो चुका है, ड्रामा क्रिएट हो चुका है इस मैच में भाई। उस वाले नीले वाले बंदे ने पटकी दे दी है लाल वाले बंदे को, और रिस्पेक्ट बहुत है आप देखो यार प्लेयर्स को, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। नीले वाला जीत गया जिस पे मैंने बैट लगाई थी भाई, वो मैच जो बहुत देर से चल रहा था वो जीत गया है। और भाई लड़ाई हो गई देखो कुश्ती के मैच में, पता नहीं क्यों बीच में कहाँ से समर्थक घुसाया है, और आप देखो गनर वगैरह भाई लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, खतरनाक लड़ाई यहाँ पर हो चुकी है भाई, एकदम माहौल गर्मा गया है। और भाई हाथापाई करके वो बंदा पता नहीं कहाँ से आया, उसको बाहर निकाला है, गनर्स वगैरह आ चुके हैं अपने ग्राउंड में। और भाई मैच में ऐसा होता रहता है कि थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप देखो इधर भाई बाहर निकाला है भाई, बंदूक लोगों के हाथ में है, पता नहीं भाई यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है ना, लोगों के हाथ में बंदूक है भाई, लड़ाई वड़ाई में बड़ा डर लगता है, कब गोलियाँ चल जाए यहाँ पे कुछ नहीं पता भाई, मैं लिटरली डर गया था भाई, लड़ाई हो गई और मेरे तरफ ही आ रहे थे सारे लड़ते हुए, उसको धक्का देते हुए मेरी तरफ आ रहे थे, और गोली वाली भाई एकदम बंदूक रेडी कर ली जितने भी यहाँ पे गार्ड्स हैं ना भाई तालिबान के बंदे भाई। ये पूरा जो है ना मतलब माहौल एकदम नेक्स्ट लेवल है एकदम, जैसे कहते हैं ना एकदम वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, और दोनों लड़ रहे होते हैं भाई, समर्थकों में लड़ाई हो जाती है, प्लेयर्स में लड़ाई हो जाती है, एकदम ड्रामा क्रिएट हो जाता है भाई, वाइड बॉल नो बॉल हो जाती है, लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए, बिल्कुल वैसा ही माहौल है भाई। भाई मजा आ रहा है भाई, मैं तो डर रहा हूँ यार अब भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, सारी चीजें हो रही है, लड़ाई हो रही है, मैच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट लेवल जैसे हमारे होता है ना कि वाइड बॉल नो बॉल पे कोई आउट विकेट गिर जाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। उस मैच के बाद से जो वो पॉइंट जो कैंसिल हुआ ना उसके बाद से माहौल भाई पूरे स्टेडियम का अलग हो चुका है। उधर भाई सामने आप दो कैमरामैन देख सकते हो, बकायदा पूरे मैच की जो
है ना लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है 10 स्पोर्ट्स है स्टार स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है भाई। एकदम पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे किसी लोकल चैनल पे आता भी हो यह मैच, कुछ कह नहीं सकते। और भाई अब जो है ना मैच से अब लोग बाहर आ चुके हैं भाई। मैच में बहुत देर तक ना डिसीजन का वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने डिसीजन दिया। जिस बंदे ने पटकनी दी थी ना सैफियुल्ला ने भाई, उसको उन्होंने पॉइंट दे दिया। उसके बाद फिर से लड़ाई हो गई और फिर वेट करने लगे भाई। उसके बाद से बहुत सारे लोग ग्राउंड से जाने लगे, हम लोग भी बाहर आ गए भाई। ये था यहाँ पे कुश्ती, खतरनाक कुश्ती। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल फन था भाई। जो माहौल था ना, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा ना। इतना इलेक्ट्रिक, लोग इतना खुश भाई, चिल्ला रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं, और सारा एकदम ड्रामा जो कहते हैं ना, एक एक्शन मूवी का जो ड्रामा होता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, सस्पेंस एकदम जो कहते हैं ना, लड़ाई वड़ाई सब कुछ, वो देखने को मिला मेरे को। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से पार की साइड। आज जो है ना बुशकाशी का, जो मैंने आपको बोला था जो यहाँ का अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, वो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी बंद है। अब हम लोग यार यहाँ स्टेडियम से ना बाहर आ चुके हैं। स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जो सारे लोग एकदम अचानक से निकले ना, और इधर देखो ऑटो ऑटो वाले सारे वेट कर रहे हैं इधर। ये सवारी आएगी अपने घर जाने के लिए। कुश्ती वाली प्लेस से बिल्कुल यार 2 मिनट की दूरी पे ना यहाँ पे बाइक रेसिंग हो रही है यार। और यहाँ पे ना हर फ्राइडे को मतलब अलग अलग गेम्स होते हैं। तो बुशकाशी हम लोग जाना चाहते हैं, बुशकाशी नहीं हो रही आज, लेकिन भाई यहाँ पे बाइक रेसिंग हो रही है पास में, तो वो हम देखने आए हैं। खाली सी एक जगह है यहाँ पे, देखो इतने सारे लोग बाइक लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे देखो स्टंट कर रहे हैं। देखो भाई साहब स्टंट, देखो नेक्स्ट लेवल स्टंट हो रहे हैं भाई इधर। वो भाई साहब उसने देखो, उसने तो बाइक तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा कर दिया। पूरी जगह पे केवल बाइकों की आवाज़ आ रही है। देखो भाई, वो भाई साहब ये है भाई अफगानिस्तान में फ्राइडे का माहौल। भाई फ्राइडे को इतने गेम्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती है ना भाई, यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि फ्राइडे छुट्टी का दिन होता है अफगानिस्तान में। और ये साइकिल पे भी देखो स्टंट चल रहा है यहाँ पे। जिसके पास आपके पास बाइक हो, आप अपनी बाइक लेके आओ यहाँ पे, 10 अफगानी दो, अंदर घुसो भाई, जो स्टंट मारने मारो। गिरने की गारंटी नहीं है किसी की, आपको चोट लगे कोई गारंटी नहीं है, आपकी जो मर्जी है करो। भाई के देखो, ये देखो ये भाई, यहाँ भी खतरनाक माहौल है। यहाँ तो ऑटो वाटो लेके भी बंदे घुसते हैं, ऑटो को लेके स्टंट मार रहे हैं, साइकिल को लेके, बाइक को लेके। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे गेम हो रहे हैं भाई। आप देखो भाई कितनी बाइकें आ रही हैं, कितने स्टंट चल रहे हैं भाई, पीछे बाइक उड़ा रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हो भाई सभी। भाई को हवा की तरह उड़ा रहे हैं भाई, चाटते दिल भी ना चाटते। ओ जुआना जुआना गीत सर है आने उत्सव 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 जाना है बच्चों ये रोता से उत्सव दर हम भी मुशर्रफ छोड़े। ओके ओके, देखो यार यहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। पर्शियन बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये भाई स्कूटी लेके आए हैं। चल आज से कोरम में भी ना यहाँ पे भाई, कोई सेफ्टी कोई नहीं कुछ नहीं देखता। एक ही जगह पे इतने तरीके के व्हीकल है, कोई भाई कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर चढ़ा सकता है। ये देखो भाई, तो एक हाउ मैनी पीपल डाई हियर ब्रो? भाई ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पे हर हफ्ते, हर 2-3 हफ्ते में एक बंदा जरूर मरता है। शाह भाई बता रहे हैं 2 हफ्ते पहले एक बंदा मरा है, लेकिन उसके बावजूद भाई किसी ने कोई हेलमेट नहीं पहना, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपनी बाइक ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ी साइकिल लेके आ रहे हैं, साइकिलों के बीच में वो ऑटो लेके आ रहे हैं, ऑटो के बीच में कुछ भी भाई लेके आ रहे हैं, आग निकाल रहे हैं पहियों से। और ये देखो TVS का ऑटो लेके बीच में घुसा हुआ है। अचानक से आप स्टंट कर रहे हो, ये देखो ये नीली गाड़ी आ गई है। ये देखो भाई क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये देखो, ये देखो स्टैंड को खोला, स्टैंड से आग निकाल रहे हैं भाई, कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ कभी भी कहीं से भी आ सकती है यहाँ पे भाई। सब कुछ भगवान के भरोसे है, कुछ भी हो, टूटेगा फूटेगा, मरोगे मरोगे तो तुम्हारी मर्जी है। 10 अफगानी लो और इस मौत के खेल में शामिल हो जाओ। ओ भाई साहब,
और भाई यहाँ पे जितनी भी बाइक्स पे लोग स्पेंड मार रहे हैं ना, वो सारी बाइक्स चाइनीज बाइक्स हैं। जो यहाँ पे अफगानिस्तान में ज़्यादातर जो बाइक्स चलती हैं वो चाइनीज़ बाइक्स हैं, जो कि स्पेशली अफगानिस्तान के लिए बनाई जाती है। 125 cc, 100 cc, 150 cc की बाइक्स पे इस तरीके के स्टंट लग रहे हैं भैया। बड़ी चौंकाने वाली बात है, इंडिया का झंडा लगा हुआ है। अभी जाते जाते मैंने देखा भाई इंडिया का झंडा। तो यार अब फाइनली जो है अपने रूम पे वापस आ चुका हूँ, होस्ट के रूम पे। आज का दिन यार बहुत ज़्यादा एक्शन पैक था, जिसमें हमने क्या क्या नहीं देखा। मतलब आज हमने कुश्ती देखी, कुश्ती के अंदर लड़ाई देखी, जान जोखिम में डाल के भाई स्टंट करते हुए लोग देखे। और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था है, रात में पहला दिन जो है बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको भी वीडियो देखने में उतना मज़ा आया होगा, आपको भी मैं वो एक्सपीरियंस जो मैंने किया वो बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे अपना फीडबैक है ना प्लीज़ यार कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताना, उससे मेरे को पता लगता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। इसके अलावा यार वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ना, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।